ये ब्लिशॉन बड़े बड़े सलॉन्स और पार्लर्स में यूज होता है और इतना लॉन्ग लास्टिंग, इतना ब्राइट टेक्सचर करोगे इतना लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट, इतना क्रीमी टेक्सचर है आपके पाउडर ब्लिशॉन को लेकर ब्लिशॉन कैसे बना सकते हो और इतना ब्लिशॉन को लॉन्ग लास्टिंग कैसे कर सकते हो जिसका आपका जिससे आपका मेकअप बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट वाला बने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शाइन चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप पाउडर ब्लिशॉन को कैसे लिक्विड ब्लिशॉन बना सकते हो। वैसे भी आपको आजकल पता चल रहा है कि बहुत ही ट्रेंडिंग में ये चल रही है वीडियो और ट्रेंडिंग में ये वाला लिक्विड ब्लिशॉन चल रहे हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप जब लगाओगे तो इनकी ये इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी कुछ टाइम पहले ही हिरा फैसल ने भी इस पर ब्लिशॉन की वीडियो बनाई थी क्योंकि आज कल ने ये वाले ब्लिशॉन बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आप कैसे घर पे बना सकते हो, जैसे ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं तो आपको कोई से भी ब्लिशॉन की पैलेट चाहिए। जैसे ये वाली मेरे पास 4 शेड वाली ब्लिशॉन की पैलेट है, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। मैं इसके ओरिजिनल स्वाच दिखा देती हूँ कि इसके ओरिजिनल स्वाच कैसे हैं और स्किन पर कैसे लगते हैं और स्किन के अगर ये वाले डिफरेंट डिफरेंट इसके शेड्स हैं। अगर जो आप ऐसे नहीं है कि आपके पास ये वाली यही ब्लिशॉन की पैलेट होनी चाहिए, जो भी आपके पास ब्लिशॉन पैलेट है आप उसमें से ही वाले लिक्विड ब्लिशॉन बना सकते हो। वो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपके आगे चल के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं आपके ना इसके ओरिजिनल स्वाच दिखा रही हूँ कि इसके ओरिजिनल स्वाच कैसे हैं। ये वाले जो पाउडर ब्लिशॉन होते हैं ना वो थोड़ी टाइम पीरियड के बाद आप देखोगे ना आपकी स्किन से रिमूव हो जाते हैं और स्किन बस इतने मतलब स्किन पेची पेची फील होती है और स्किन ऐसे लगता है कि ना 2 टोन्स में हो गई है। तो हमें इसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए और स्किन पर फिनिशिंग लुक दिखाने के लिए हम इसको ब्लिशॉन को लिक्विड ब्लिशॉन बना रहे हैं और कैसे बनाएंगे ये सब कुछ आप मेरी वीडियो में पता चलेगा। अब हमें पैलेट चाहिए ब्लिशॉन की और दूसरा हमें चाहिए कंसीलर। कोई सा भी आपके पास कंसीलर हो, जैसे ये टीवी पाउडर्स का कंसीलर है, आप डिफरेंट डिफरेंट का जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी में से ही बना सकते हो। तो हमने ब्लिशॉन के साथ हमें चाहिए एक कंसीलर, जो आजकल मैं डिफरेंट डिफरेंट कंसीलर भी आ रहे हैं तो ये वाला मैं कंसीलर यूज़ कर लूँगी। और हमें तो क्या चाहिए इसमें से, एक ना हाईलाइटर चाहिए। अगर आपके पास ये वाले हैंग फैंग वाले नहीं हैं हाईलाइटर तो कोई बात नहीं है, आप कोई सा भी इसमें हाईलाइटर ऐड कर सकते हो। जैसे वाला मेरे पास ना ये पूरा बिल्कुल खाली ही हो गया था लेकिन थोड़ा थोड़ा उसकी क्वांटिटी रहती थी, मैं आपको इसका शो करवा रही हूँ। ये वाला जैसे ये वाला लिक्विड हाईलाइटर था तो इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये वाला लिक्विड हाईलाइटर के ये वाला ले लेंगे और इसी में ही सारा मैं आपको ना लिक्विड ब्लिशॉन बना के दिखाऊंगी। अब जो क्योंकि आप अगर आप ब्लिशॉन्स में सिंपल आप कंसीलर और ब्लिशॉन की ब्लिशॉन में एक एड मिक्स करके आप बनाओगे तो वो इतना अच्छा तो बन जाएगा लेकिन वो फिनिशिंग लुक नहीं आएगी, जो ग्लिटरी वाला फील नहीं होगा। तो हम इस तरह ग्लिटरी फील दिखाने के लिए हमें क्या करेंगे, इस पर ब्लिशॉन ऐड करेंगे, ग्लिटर्स ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें ना अब क्योंकि इसमें हम कैसे अब जार हमें इसमें ऐड करना है पाउडर, तो हम थोड़ा सा एक वाला नहीं पेपर को बना के रोल करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम क्या इसमें ऐड करेंगे ब्लिशॉन का पाउडर। अब जो भी आपको शेड चाहिए ना आप उसको क्रेश करेंगे। जैसे वाला मुझे ये वाला ब्लिशॉन का ये शेड चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा क्रेश करके हम उसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसको ना आपको इसके पाउडर की फॉर्म में ले लिया है जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। वैसे इसमें ना जब मैंने बनाया था तो इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड होती है थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही आप लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है और बहुत दिनों तक से साथ चलने वाला है। ऐसे नहीं है कि आप मतलब 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं, ये बहुत टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो और बना के रख भी सकते हो, जब आपका ख़त्म हो तो आप दोबारा बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है जो भी ब्लिशॉन का पाउडर है, हमें हाईलाइटर के एयर में साथ में मिक्स करना है और ये वाला पूरा हमें इसमें ऐड कर देंगे। जब ये ब्लिशॉन ये वाला हाईलाइटर के साथ मिक्स होगा तो इतना वो ग्लिटरी वाला इतना और शाइनिंग वाला ब्लिशॉन बनेगा जो आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लोगे ना उसमें से भी उस ये इसका रिज़ल्ट कई गुना ज़्यादा है और इसका इतना लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट है। अपने ब्राइड्स के लिए अपने पार्लर्स में सलॉन्स में यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको शो करवा रही हूँ कि हमने इतनी क्वांटिटी हमने ले ली है, जो भी जितना क्वांटिटी हमें चाहिए हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें कंसीलर ऐड करना है क्योंकि हमने ब्लिशॉन तो ऐड कर लिया है और हाईलाइटर भी ऐड कर लिया। अब इसका जो भी ऊपर से जो भी ब्लिशॉन लगा होगा तो हम इसको रिमूव करेंगे क्योंकि हम कंसीलर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कंसीलर से क्या हो जाएगा, हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हमें जितनी क्वांटिटी कंसीलर की चाहिए
हम उसमें से रख लेंगे। अब इसका हम आप अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपना फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास फाउंडेशन है लिक्विड फाउंडेशन होगा ना तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेशनल तरीके से यूज़ होता है तो उसमें वो कंसीलर ऐड होता है, तो हमें जितनी क्वान्टिटी कंसीलर की चाहिए हमने क्वान्टिटी हमने ले ली है और हम इसमें सारा सब प्रोडक्ट्स में इन तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर बना लेंगे। जैसे हमने क्या किया, पाउडर ब्लिशॉन का पाउडर था, लेटर था, और इसमें हमने क्या ऐड किया है, कंसीलर ऐड किया। अब हमें इसको अच्छे से मिक्सिंग करके, अब मैं आपको ना इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। ये इतना गाइस क्रीमी टेक्सचर होता है और इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, आप एक बार बना के देखोगे ना तो खुद ही आपको रिजल्ट पता चलेगा। वैसे भी मेरे वीडियो चैनल पे आपको सारी वीडियोज़ वही मिलेंगी जो मैं खुद भी ट्राई करती हूँ और जिनका रियली भी रिज़ल्ट हो, ऐसे नहीं कि आपके प्रोडक्ट्स भी ज़ाया हो और आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिले। तो हमने जितना क्वान्टिटी हमें चाहिए हमने ब्लिशॉन का ये पूरे परफेक्ट बन गया है। अब आपको उसको ना अप्लाई करके दिखाती हूँ कि देखो कितना क्रीमी और कितना लॉन्ग लास्टिंग लग रहा है। ऐसे आपकी चीक्स लगेंगी जैसे आपने कोई ना महंगा प्रोडक्ट्स ऐड किया है और यूज़ किया, और इतना आपको अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करके दिखाती हूँ। गाइस देखो कितना क्रीमी और कितना ग्लिटरी फील हो रहा है स्किन में। ये ऐसे और हमने क्या किया, पहले आपने पाउडर ब्लिशॉन यूज़ करके देखो और ये वाला ब्लिशॉन यूज़ करके देखो, या बिल्कुल इसका परफेक्ट रिजल्ट है। और ये स्पेशली ब्राइड्स के लिए और पार्लर्स में बड़े बड़े सलॉन्स में पार्टी मेकअप में यूज़ किया जाता है। वो उसको आपको ट्रिक्स नहीं बताते लेकिन वो इसी तरह से ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। अगर आप पाउडर हाइलाइटर देखो मैंने आपको शो करवा रही हूँ, अगर ऐसे यूज़ करोगे और हम लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया देखो कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है, और देखो वो कितना ग्लिटरी स्किन फील हो रही है, बिल्कुल आपकी स्किन पैची भी नहीं फील होगी और स्किन आपकी ऐसे खिली रहेगी। आपका बेस भी जो भी आप मेकअप करोगे तो आपका मेकअप उठ के आएगा, ऐसे नहीं कि आप ना बस थोड़े टाइम के लिए आपका ये ब्लिशॉन्स आपके स्किन से झड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये गाइज आप बना के देखिए, ये बिल्कुल इसका रिजल्ट है। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। अब इस मेथड में हम बनाएंगे पाउडर ब्लिशॉन को लिक्विड ब्लिशॉन। अगर आप कंसीलर के साथ भी ऐड नहीं करना चाहते हो तो, अगर आप कंसीलर भी ज़ाया नहीं करना चाहते हो तो आप क्या एक थोड़ी सी क्वांटिटी हम ब्लिशॉन की ले लेंगे, जितनी भी ब्लिशॉन जो भी आपको शेड पसंद है आप वो ले लो। और हमें चाहिए एक लिक्विड फाउंडेशन जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें इसमें आपको ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए कि आपको कैसे यूज़ करना है। अगर अब हम क्या करेंगे इसके इफ़ेक्ट को और गुना अच्छा ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट वाला दिखाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हाइलाइटर्स। क्योंकि आपको पता है ब्लिशॉन तो आप यूज़ करोगे तो उसके अगर उसके आप जब ब्लिशॉन आप अपने चीक्स पे यूज़ अप्लाई करोगे तो वो उसके स्किन पेची फील ना हो, थोड़ा इसको ग्लिटरी दिखाने के लिए हम इसमें हाइलाइटर ऐड करेंगे। तो हम थोड़ा सा क्वान्टिटीज़ की क्रेश करके हाइलाइटर की ऐड कर लेंगे ब्लिशॉन के साथ। अगर जब अब ये अप्लाई करोगे ना तो गाइज अब रियली भी इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। ये सलॉन्स में और पार्टीज़ में स्पेशली यूज़ किया जाता है। तो आप अगर आप ऐसे वैसे जो भी ब्लिशॉन यूज़ करो आप ये वाला ब्लिशॉन बना के देखिएगा और अप्लाई करिएगा तो आपको रिजल्ट पता चलेगा कि इसका रिजल्ट रियली भी रिजल्ट क्या है। तो हमने कि थोड़ी सी क्वांटिटी ब्लिशॉन की ले ली तो थोड़ा क्वांटिटी हाइलाइटर की ले ली। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा फाउंडेशन या लिक्विड फाउंडेशन वो वाला यूज़ कर सकते हो। इसमें आप वाटर बेस्ड भी यूज़ कर सकते हो लेकिन इसमें ज़्यादातर जो होता है ना वो लिक्विड फाउंडेशन यूज़ होता है। अब तीनों का मिक्सचर बना के मैंने आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, इसका रिजल्ट देखिए इतना क्रीमी देखो कितना प्यारा सा टेक्सचर आ रहा है और इतना बिल्कुल भी ना लिक्विड फाउंडेशन जो पहले हमने यूज़ किया था वो देखिए और आप देखिए उस लिक्विड फाउंडेशन वो भी हाइलाइटर के साथ अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और ये वाला हमने इसमें हम किया है फाउंडेशन ऐड किया है इसका भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है। ये वैसे ना काशिश की जो ब्राइड्स होती है ना उनका जो आप भी देखोगे ना उसके बेस ज़्यादातर वो होता है पिंकिश की शेड में बेस होते हैं, उनके ज़्यादा वाइटिश की शेड में बेस नहीं होते, तो उसका बेस ऐसे ही बनाया जाता है। और सलॉन्स में अगर आपके पास आ जाती हैं ब्राइडर्स तो आप अगर काशिश की ब्राइड्स की तरह मेकअप करना चाहते हो तो आप ये वाला ब्लिशॉन भी यूज़ कर सकते हो और बेस भी यूज़ कर सकते हो। बस ये वाले सारे ना ट्रिक्स आप अपने घर पे जब अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा कि इनका रियल रिज़ल्ट क्या है। अब हमने थोड़ा सा ज़्यादा ब्लिशॉन ऐड किया क्योंकि वैसे वो क्योंकि हमें बेस नहीं बनाना है हमें ब्लिशॉन बनाना है, तो हम ब्लिशॉन में थोड़ा सा कलर ज़्यादा ऐड करेंगे। तो ये देखो कितना क्रीमी और कितना टेक्स्चर अच्छा लग रहा है नज़र आ रहा है और आपको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस नज़र आया जो आप पाउडर ब्लिशॉन यूज़ कर रहे हो अगर और आप ये वाला ब्लिशॉन यूज़ कर रहे हो तो देखो कितना डिफरेंस क्लियर नज़र आ रहा है। तो आप बना के 15 days to 1 month आप यूज़ कर सकते हो, फिर आपका अगर ख़त्म जाए तो फिर आप बना के रख लो और आपको अगर आपके पास जैसे भी ब्राइड्स आती हैं तो आप उन पर अप्लाई करोगे तो उनका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।